और अब बात किसान आंदोलन की। हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत तो मिल गई, लेकिन किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। किसान दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर करीब 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार है। किसानों का आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर जारी रहेगा या ये दिल्ली के बुराड़ी आएंगे, इसका फैसला अब से करीब 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे किसान नेताओं की बैठक है जिसमें यह भी तय होगा कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है और आंदोलन की जगह क्या होगी। क्योंकि किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार दिल्ली के किनारे में धरने प्रदर्शन की जगह देकर उनके आंदोलन को किनारा लगाना चाहती है। आंसू गैस हो या वाटर कैनन, बैरिकेटिंग हो या कंटीले तारों की फेंसिंग, सबको पार करके हरियाणा के रास्ते दिल्ली में किसान दाखिल तो हो गए, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे कि अब आगे करना क्या है। सरकार ने रैली के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इंतजाम किया है, लेकिन किसान इस ग्राउंड में जाने को तैयार नहीं। इसी वजह से हजारों की संख्या में किसान अब भी सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान का आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर जारी रहेगा या वे बुराड़ी जाएंगे, इसका फैसला आज होगा। हम इस समय सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। सरकार, पुलिस और जिस तरह किसानों की बातचीत हुई थी कि सबको निरंकारी ग्राउंड जाना है, कोई भी यहाँ से निरंकारी ग्राउंड से नहीं हिला है। लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो इस समय सिंधु बॉर्डर पर लगा हुआ है। पूरा जो ट्रैफिक है वो पूरी जाम है। जो किसान यहाँ पर है उनसे बात करते हैं। आप लोग, पुलिस से जो बात हुई, प्रशासन जो बात हुई, सरकार से जो बात हुई, ये बोला गया कि आप लोगों के लिए निरंकारी जो ग्राउंड है वो बुक किया गया, वहाँ पर जा सकते, लेकिन आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्या कारण है? इसका कारण ये है जी, हम वहाँ पे क्यों जाएं? क्योंकि वो एक सीमित जगह है, वहाँ पे 50 किलो या 100 किलो जो भी ग्राउंड है, हम वहाँ पे जाएंगे, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। सुबह 8 बजे किसान नेताओं की बैठक है जिसमें ये तय होगा कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। अब तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान यूनियन इसमें शामिल थे, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई किसान यूनियन इसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए पहले बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि आगे करना क्या है। लेकिन जो किसान सिंधु बॉर्डर पर रात गुजार रहे हैं, उनका कहना है कि अगर वो बॉर्डर से निकल गए तो सरकार उन्हें भूल जाएगी। हम यही रहेंगे, हम नहीं आगे जाते, नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, राशन पानी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पे हम लगाएंगे। हम निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा ट्राली में सामान भरा हुआ है। हजारों की संख्या में किसान पंजाब से चले थे दिल्ली कूच करने, लेकिन हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल हुआ। हंगामा और बवाल के बाद किसानों को देर शाम दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि आगे जाएंगे कि नहीं। सरकार बोल रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि पहले कानून वापस लें, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। अब पेंच यहीं पर फंस गया है। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। इससे पहले भी 2 चरण मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर किसान भाइयों से वार्ता हो चुकी है, और पिछले दिनों जब हमने वार्ता की थी उस समय तय था कि अगले चरण की वार्ता हम फिर करेंगे, और इसलिए 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। कल बहुत कोशिश हुई कि दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। कांटों की बाड़ लगाई गई थी, सड़क पर पत्थरों के गार्डर लगा दिए गए थे, पूरी सड़क पर बैरिकेटिंग भी की गई, किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया, लेकिन किसान पुलिस का हर चक्रव्यूह तोड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए। पुलिस बोल रही थी कि हिरासत में लिए गए लोगों को रखने के लिए स्टेडियम चाहिए, लेकिन केजरीवाल सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, स्टेडियम की अनुमति नहीं दी गई, और फिर देखते ही देखते सिंधु बॉर्डर के आसपास हजारों की संख्या में किसान जमा हो गए और रात भर वहीं बैठे रहे।
इस प्रदर्शन की वजह से रेलवे ने पंजाब की ओर जाने वाली दो ट्रेनें रद्द कर दी, 5 के रूट बदल दिए गए ताकि हंगामे में यात्री न फंसे। ये बैरिकेडिंग बनाई गई थी और उसको दो दो ट्रैक्टरों के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखा कि पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बाद अब भाग रहे हैं यहाँ से। जो बैरिकेड तक पहुंचे थे किसान, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश अब पुलिस के द्वारा ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई ट्रैक्टर के द्वारा। पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है, जो किसान है उनके द्वारा पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है। और ये अब किसानों ने लाठी उठा ली है और पुलिसकर्मियों के ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया है। सारा मामला अब आज की बैठक में तय होगा। क्या ये बवाल, ये तोड़फोड़ ऐसे ही चलता रहेगा या फिर सूरत बदलेगी? राकेश टिकैत के साथ किसानों का हुजूम भी आज मेरठ से दिल्ली रवाना होगा। अब सिर्फ ये इंतजार है कि अपने आंदोलन के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान कौन सा रास्ता तय करते हैं।